अभी तेरा जीजा जी आने वाला हैदर, एपी सिंह को बोलती हूँ, तेरा जीजा जी आने वाला हैदर, केस तैयार कर, फाइल बना, केस फाइल कर। नागरिकता इसकी खारिज हुई, इसकी शरणागति खारिज हो गई, इसका वो रिलेशनशिप में क्या रहते हैं भगोड़ी, वो खारिज हो गई। इसका तो कुछ भी नहीं है, इसका तो नीचे धरती ऊपर आसमान है। तन्वी भाई इसका क्या है, इसके पास सब पाकिस्तान के आईडी प्रूफ है इसके, भारत का एक भी नहीं है। भारत के जो फर्जी आधार कार्ड बनाए थे वो भी हमारी एटीएस के पास है। और ये जो फर्जी कार्ड आधार कार्ड हमारा इतना मेन रहता है ना, वो पहचान एक पहचान पत्र रहता है एकदम, उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। और इसने वो फर्जी बनाए थे तो सोचो, ये भी बहुत बड़ी धारा में फंसी हुई है भगोड़ी। इनकी ना गंदी औरतों की 2% की इनकी औकात नहीं है। आस्था माँ के घर से तो दूर एरिया में घुस के चले जाओ, इनका उधर ही बैंगन का भरता बना देंगे हम लोग। भले मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, क्या हूँ, एक आवाज पे मैं आस्था माँ के दिल्ली पहुंचूंगी। दिल्ली तो हमारा आना जाना रहता है, मतलब हम लोग क्या इतने ऐसे नहीं है कि ये बोल देगी हम सुनेंगे। हम लोग भारत की बेटियां हैं, ऐसा मसाला भरूंगी ना इसको, जो घर में पिसवाती ना वही बबीता रानी को भरूंगी। बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, और एक चीज है तन्वी भाई, ये बबीता रानी का आदमी बोलता है कि हैदर मारता था इसको, मैंने पूछी थी तो उस चाचा को मैं बोलती हूँ, चाचा तू क्या उधर जाके देखने जाता था, ये औरत ये और भगोड़ी ने तुम लोग को इतना झूठ बोला है, तुम लोग इसके झूठ में फंसते चले गए। कम से कम एक सच्चाई तो देखो, अभी तो उसका बच्चों का बाप आ गया, अभी तो देखो तुम लोग की भाई, हाँ नहीं वो भी कुछ सच बोल रहा है। तुम लोग को क्या ये भगोड़ी ये कोठे वाली ये धंधे वाली चलता फिरता कोठा ही अच्छा लग रहा है क्या, यही सच की एक देवी है क्या, बाकी सब झूठे, बाकी सब झूठे, एक ये नीच औरत सच की देवी है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही और कह फिर रहे वो हैं। बबीता रानी भी उसको वो बोलेगी बुरा हाँ। भला क्यों कहेंगे, उसको तो इसलिए नहीं कहते ना, वो एटीएम की मशीन है। एक बात बताता अरशद भाई, ये एटीएम की मशीन कितने दिन रहेगी, कितने दिन रहेगी, तभी इनका असर, इनको पता नहीं इनके साथ क्या क्या होने वाला है। जब भी ये वोटिंग खत्म होने दे तभी पता चलेगा इनको क्या होगा इनके साथ। एटीएम मशीन नकारा हो चुकी है, आप काम नहीं करती सही से। ये पहले तो सोच रही थी कि हैदर पाकिस्तान नहीं आएगा, ये ऐसी सोच के बैठी थी, इसकी भूल थी ये भगोड़ी के ऐसा सोच के बैठने की। फिर वो अल्लाह का बंदा आ गया पाकिस्तान, फिर इनके और होश उड़ गए कि भाई ये तो पाकिस्तान भी आ गया, भैया हिंदुस्तान भी आ जाएगा। और ये नीच औरत क्या बोल रही थी, वो आएगा तो भारत के लोग उसको घुसने नहीं देंगे। कमीनी औरत इस भूल में मत रहना, भारत के लोग उसको बहुत प्यार कर रहे, उसको बुला रहे कि आके अपने बच्चे लेके जा। और तेरी जैसी नीच औरत को आए दिन सुबह उठता नहीं, तू कितनी गालियों, मोबाइल खुलते तेरे को गालियों के ढेर मिलते। मैं तो ना, मैं सच में, मेरी जितनी भी मेरी बहन है ना, जो सब लोग इसको वीडियो बना बना के डालते, मैं सबको लाइक करती हूँ, क्योंकि और जो इसका आशिक आ जाता है ना, कोई इसकी आंखें सेकने वाला, उनको इतना बुरा कमेंट करके भेजती हूँ कि ऐसी भगोड़ियों की वीडियो को हम लाइक नहीं करते। वो ठेंगा दिखा देती हूँ मैं नीचे वाला कि जाओ तुम लोग ठेंगे हो, और जो अच्छा बोलते सच बोलते उनको ठेंगा, हाँ बाबा तुम लोग लाइक हो। तो भाई मेरी एक उससे मेरी कितनी देश की बहन बेटी है जो वीडियो बनाती, मैं उनको सपोर्ट करूंगी ना, मैं इस भगोड़ी को क्यों सपोर्ट करूँ, क्या लगती है हमारी और हमारे देश की गंदी औरत कोठे वाली। हाँ अभी देखो बिल्कुल। मैं हाँ मैं बताती तनु भाई, अब देखो इसका ना लेकिन अभी तक तो इसने जो परमा वो क्या होते पत्थर वगैरह डॉक्यूमेंट्स है, पाकिस्तानी पासपोर्ट संभाल के रखे हुए, वही तो काम आएंगे उसको। अगर इतनी अच्छी बनती है तो उसको बोलो ये इसको इनको इनको फाड़ दो, इनको इनके टुकड़े कर दो, जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वो क्यों संभाल के रखे हुए हैं। ना, वो इसने थोड़ी संभाल के रखी है, वो हमारी एटीएस के पास है, सामान सहित तो इसको पार्सल करेंगे ना हमारी एटीएस भाई। हमें क्या करना है, हमारी एटीएस को सरकार को क्या करना है, इसके डॉक्यूमेंट इसके पास ना, गधी गधे की बच्ची के पास ना, इसके गधे की औलाद के पास, इसके पास कुछ भी नहीं है। सब पाकिस्तान के आईडी प्रूफ है इसके, भारत का एक भी नहीं है। भारत के जो फर्जी आधार कार्ड बनाए थे वो भी हमारी एटीएस के पास है। और ये जो फर्जी कार्ड आधार कार्ड हमारा इतना मेन रहता है ना, वो पहचान एक पहचान पत्र रहता है एकदम, उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। और इसने वो फर्जी बनाए थे तो सोचो, ये भी बहुत बड़ी धारा में फंसी हुई है भगोड़ी। लप्पू लप्पू तो छोड़ दे, वो तो एक फ्राई तला हुआ पापड़ है। मेरी एक बहन ने उसका नाम रखा था, और फिर एक ने रखा था सूखा छुआरा। सच सच्ची में तो नाम भी तो बहुत अच्छे अच्छे छाट छाट के लाती है मेरी बहन, छुआरा भी सूख जाता चूसा है। चूसा हुआ आम भी हाँ किसी ने रखा था, हाँ वो वो चूसा मेरी मेरी झोंप मेरी वो गाती है ना, मेरी झोंपड़ी के बाग आएंगे वो चूसे, वो तो हाँ क्या बोलती है। हाँ वो मिथिलेश भाटी का ना, हाँ
लेकिन हमारा ना इसने जितना भी किया, देखो जब जब भी हमारे देश पे, हमारी हमारे धर्म पे, हमारी सनातनी पे ये करते ना, कोई हम विश्वास नहीं करते। तन्वी भाई एक चीज बताती है, जो भोकती है ना कुत्ते की तरह, भारत के लोग मुझे प्यार करते। आप लोग को भी पता है कि भारत के लोग कितनी इसको जूते चप्पल गालियों की बरसात करते, आप लोग को पता है। हम कोई प्यार नहीं करते, हमारे भारत के देश जो इस जैसे नीचे हैं, गंदे हैं, वो इसको सपोर्ट करते, हम तो नहीं करते। मेरी तो एक चीज समझ में आई, मैंने एक वीडियो भी भेजी थी आपको बहुत पहले, जो एपी सिंह घर में घुस घुस के बात कर रहा था ना, तुमने मंगलसूत्र पहना है, तुमने सिंदूर लगाया है, तुमने बिछिया पहनी है, तुमने चूड़ी पहनी है, तुमने ये किया है, हैदर तुमको 4 साल तलाक। मतलब ये पी सिंह खुद ही जज बन जाता है और खुद ही फैसले करता है, ये पी सिंह ऐसे हैं। नहीं तो बताओ हमारे कौन से मीडिया वाले कमीने के दरवाजे पे जाके गिरते हैं? क्या हमारे भारत में कम मीडिया है? इसके ही 2% के लोग इसके जैसे, जिसको घर में भूख नहीं मिटाने को मिलती, वो भगोड़ी के पास जाते अपनी अय्याशी मिटाने के लिए, वो लोग ही जाते हैं। अब एक बात बता, मुझे तुझे पाना है तो मैं तो अच्छे इंसान की तेरे सामने बुराइयां ही तो करूंगी, तो एक गंदी औरत के वही तो काम है। और हैदर का एक सच है जो खुली किताब है, वो सब पूरे भारत के आगे आ गई कि एक हैदर एक सच्चा इंसान है और नेक इंसान है, और ये औरत उसके साथ ऐसा करके आई है, ये तो पूरे भारत वालों को दिख रहा है, उसका हैदर का दिख रहा है ना। और ये धंधे वाली कैसे, धंधे वाली का भी सब दिख रहा है ना, कोठे वाली का, हाँ चलता फिरता कोठा है हमारी भारत के बहन बेटियों की, हमारी भारत की सरकार की। किसी की आंखें तो बंद नहीं है कि ये गंदी औरत जो ड्रामा करे हम देख नहीं रहे, हम तो बहुत देख रहे हैं। और बहुत सोचो तन्वी भाई, जीवन में हमने कभी ऐसे ऐसे केसों पे कभी ध्यान नहीं दिया था कि नहीं हमारी सरकार ये करके, लेकिन ये गंदी औरत ऐसी आई ना कि भाई हमारे पूरे देश के बहन भाई, हमारे जितने भी माता पिता जितने भी, सब आवाज उठा रहे कि ये औरत को इधर से भगाओ। क्यों उठा रहे? क्योंकि औरत गलत करके आई है, गलत करके आई है ना, ये ना ये सबको मना करिए। हाँ ये सबको मना करिए, मेरी बहन नहीं है ये, मेरी बहन नहीं है वो, मेरी बहन नहीं है। पहली बात तो मैं, देखो तन्वी भाई, इनकी बहनों की भी बहुत बड़ी गलती मानती हूँ। तब तो इनकी बहनों को इसने मुंह में पैसा भर दिया, गलत तो वो लोग ने भी किया है हैदर भाई के साथ। मुंह में क्या 6 महीने से दही जमा के रखी थी क्या इसकी बहन और इसका भाई, वो कमीने कहीं के नीच लोग, भड़वे लोग, वो लोग ने नहीं बोलने को हुआ हैदर को, तू आजा हैदर ये ऐसा सा कर, गई थी 8 दिन, किधर गई थी मालूम नहीं, तू आजा, वो बेचारा तो जाता। हाँ हाँ, और ये नीच औरत, ये कोठे वाली, ये धंधे वाली, ये नीच हरामजादी औरत क्या बोल रही थी, इतना तुम लोग को हैदर की फिक्र है तो अपनी माँ बहन दे दो कुत्ती, वो हमारे भाई है। मैंने क्या बोला भाई, वो लोग ही कर रहे जो उसके जैसे गंदी औरत के साथ, बाकी कौन कर रहे? बाकी आप देखते नहीं हमारी भारत की बहन बेटियां कैसी उसकी बातों पे वीडियो पे वीडियो बना के डाल रही, नहीं देखते? वही नीच, वही गंदे लोग, दो कोड़ी के 2% के लोग उसको ही सपोर्ट करे, वो भी एपी सिंह भड़वा है ना, वो खरीद खरीद के लाता है। लेकिन भाई हमें तो किसी से मैं डरती नहीं, जो सच है जो दिख रहा है वही बोलूंगी मैं तो ना। तो भाई हैदर मेरे घर पे राशन डालता ना, ये सीमा मेरे घर पे राशन डालती, हम जो सच है सच की बात करते, जो गलत है जो सही है उसका ही साथ देंगे, गलत इंसान का हम साथ नहीं देंगे। कल को तन्वी भाई आप लोग भी क्या बोलते हैं, अरे भारत में तो ऐसे लोग रहते हैं सब, वो गलत औरत की सपोर्ट करे, क्यों भाई हमारे देश का नाम खराब होता, फिर हम क्यों करें गलत औरत को सपोर्ट? बताओ आप क्यों करें हम गलत औरत को सपोर्ट? हमने तो अंजू को भी सपोर्ट नहीं किया जबकि वो तो हमारे देश की बेटी थी, तो ये 2% की औरत को हम क्यों सपोर्ट करेंगे, क्यों करें हम? और क्या लगती है और क्या गलत बोलते हैं हम इसके बारे में? सब सच तो बोलते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ, मैं कभी गालियों के ज्यादा गालियों के अल्फाज नहीं करती, जो मेरे शब्द है वही मैं शब्दों से इसको नवाजती हूँ, और जैसा जैसा इंसान रहेगा ना मैं वैसा ही बोलूंगी। एपी सिंह है ये ऐसा तो ऐसा ही सुनेगा। ये बताओ ये वकील होके कौन सी कानून की बातें करता है? बताओ कौन सी ये पी सिंह ने कानून की बात करी? कदे इसको भाव में बिठाता है, कदे सोनिया अख्तर को भाव में बिठाता है, दोनों हाथ में तो लड्डू रख रहा था, अभी एक लड्डू तो चला गया, अभी एक बच्चा कुछ है उसका तोड़ तोड़ के उस लड्डू को खाता है ये रात दिन, जाता है जब भी ओका मौका लगता है जाता है ये, तो हम किस हैसियत से इस एपी सिंह की?
हाँ तो ऐसे इंसान को हम क्या माने। नहीं तो हमारे देश में एक से ऐसे वकील है, हम हर किसी वकील को नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है वकील अपना काम खाली ऑफिस तक रखता है, वो क्लाइंट के घर पे नहीं जाना, उसका ये करना वो करना, ये कर देना आज वो कर देना, भगोड़ी ने ऐसा किया, कोठे वाली ने ऐसा किया, धंधे वाली ने ऐसा किया, ये तो हमारा कोई वकील करता नहीं देश में। बहुत हम हमारे अच्छे अच्छे वकील रहते हैं, बताओ कौन इस वकील को सपोर्ट करता है, इस गंदे वकील को। गंदे वकील है ये, बहुत बेशरम वकील है, इसकी नजर ही गलत है, और इसको इसकी नजर गलत और कुछ है, गंदी औरत मिल गई तो दोनों की जोड़ी अच्छी जमती है, दोनों की जोड़ी अच्छी जमती है ना। इसको इसको बुढ़ा भी चलता है, इसको बच्चा भी चलता है, इसको 70 साल का भी चलता है, इसको जो मरने को होया रहेगा ना भगोड़ी को वो भी चलता है, इसको सब आदमी हजम है, इसको खाली आदमी चाहिए। इसको गंदी औरत को वो एक हट्टा कट्टा इंसान जिसे मर्द कहते हैं इधर भाई, इसको वो पसंद नहीं आया धंधे वाली को, ये अपने बच्चे के साथ भाग के आ गई और शादी बोलती शादी की, शादी तो इसकी कुछ नहीं है, बिन फेरे हम तेरे। आप सोचो इसके वो गुरुजी से मैंने फोन किया था ना, जी, बिल्कुल। आपने वो जो इनके गुरु को गुरु आए थे इनके घर में गुरु शिक्षा देने के लिए, तो मैंने फोन किया था, इसने उसको क्या बोला था कि मैंने हैदर को 2 साल छोड़ दिया है, इसने बोला था उस गुरुजी को, और ये सबको क्या बोल रही, हैदर ने मेरे को 4 साल पहले छोड़ दिया है। वो गुरुजी की अभी तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है तन्वी भाई, मैंने आपको भेजी भी थी, जी, बिल्कुल। और अभी तो गुरुजी दिखाई भी नहीं देता, अगर सच्चा गुरुजी रहता तो आता ना भगोड़ी के घर पे। फिर एक वो बुढ़ा आया था, एक वो इतना बड़ा टीका लगा के बीच में आया था, मैं तो 5 महीने से इसको ढूंढ रहा हूँ, तो उस बुढ़े को मैं भी ये बोली तू इसको ढूंढ रहा है भगोड़ी को, और यमराज तो तेरे को ढूंढ रहे, तू किधर जा रहा है। हाँ यमराज हाँ सही बात है, ये लोग बुढ़े लोग इनको शर्म नहीं आती, ऐसी गंदी औरत के पास आते एक बाबा के, फिर हम जो एक सही इंसान है फिर ऐसे बाबा लोग के ऊपर या गुरु लोग के ऊपर हम क्या विश्वास रखेंगे, पाखंडी लोग है। बीच में पता है आपने बोला था कि कोई सनातनी गुरु को मारा है, मैंने क्या बोला था, ये सब एपी सिंह की चाल है, कुछ नहीं बोला था ना अरशद भाई मैंने। हाँ जी, बिल्कुल हाँ हाँ तो भाई ये हम लोग इस एपी सिंह की ना नस नस से वाकिफ है, क्योंकि ये हमारी देश की बेटी के साथ एक गलत वाकया कर चुका है, निर्भया के साथ इसने उसका साथ नहीं दिया था, तो फिर ये तो इसको चप्पल जूते जितनी भी गाली मारे उतनी तो मेरे नजर में तो बहुत कम है इसको बोलना, सच बताती हूँ, ऐसे इंसान को एक वकील कहलाने के लायक भी नहीं है। इसको क्या दिखता है बताओ, वकालत कुछ करता है, इधर की बात उठा के बोलते हैं उधर की बात उठा, अरे वकालत कर, केस लड़, भगोड़ी का केस तैयार कर, अभी तेरा जीजा जी आने वाला हैदर, एपी सिंह को बोलती हूँ तेरा जीजा जी आने वाला हैदर, केस तैयार कर, फाइल बना, केस फाइल कर। ये लप्पू को 2 टके को हम नहीं जानते, हम खाली हैदर को जानते, ये कौन सी नाली का कीड़ा है लप्पू, कौन सी नाली का कीड़ा है लप्पू, हम हैदर को जानते, अगर लप्पू इतना सही रहता ना तो लप्पू तो पहले हमारे देश 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 का देशद्रोही है, गद्दार का, गद्दार है हमारे देश का, वो लप्पू ही तो है हमारे देश का गद्दार जिसने नकली आधार कार्ड बनवा के दिए, मेन यही तो गद्दार है ना, तो फिर हम लप्पू को क्या जाने, क्या है ये लप्पू, 2 टके का इंसान, गंदी नाली का कीड़ा, वाकई में गंदी नाली का कीड़ा है। सही इंसान रहता, सही इंसान की पैदाश रहती ना, तो इतना बड़ा अपने देश के साथ खिलवाड़ ना करता। देश हमारी जन्मभूमि है, हम यही जन्मे है, यही हमें यही मरना है, तो हम इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन इस नीच इंसान ने लप्पू ने हमारे देश से गद्दारी की, तो फिर हम क्या जानते इस लप्पू को, हम तो एक ही जानते हैं, बच्चों का बाप है हैदर, और हैदर इसका आदमी है, हैदर इसका पति है, शोहर है, ये हैदर की बेगम है और हैदर इसका शोहर है, बाकी तो इसके तो 70 आते 70 जाते, हम तो एक को ही जानते भाई वो हैदर है। ये जो बोलती है, ये जो सच हमारे जो सनातनी धर्म की बातें बताती हूँ भाई मैं, ये जो बोलती है ना मेरे पति मेरे पति मेरे पति करती है ना लप्पू को, ये सूखे छुआरे को, तले हुए पापड़ को, तो हमारे ना मतलब इसका कुछ भी नहीं है, हमारे मजहब में हमारे धर्म में हमारे सनातनी धर्म में इसका वजूद कुछ भी नहीं है, भगोड़ी का ये कितना बोले, मतलब हमारे सनातनी धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसा ये सोच रही है ना पति को धोखा दो, बिना शादी गैर मर्द के साथ रहो फिर उसको पति के लग, ये तो हमारे प्रभु श्री राम भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये 2 टके की औरत को पता है। सुनीता दीदी बोले,
अगर हाँ। अगर इसको इसको यहाँ नागरिकता मिल जाती है, मिलने नहीं, ये ख्वाब है उसका, अगर ख्वाब कभी पूरा भी इसका हो जाए तो ये किसी एक के पास टिकेगी, किसी एक के पास रहेगी, ये तो पूरे हिंदुस्तान को ये खराब करेगी। तन्वी भाई, बिल्ली के सपने में छेचड़े दिखते हैं, रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह उठ जाते हैं, इसके साथ वही है। और ये चीजें समझ नहीं रही है कि इसके साथ आगे चल के क्या होने वाला है, ये चीजें समझ नहीं रही है। आपको मैं बता दूं, ये जिस पे उछल रही है ना एपी सिंह पे, ये एपी सिंह ही इसकी नाव को डुबोने वाला है, देख लेना। मेन चीजें बताती हूँ मैं, स्टार्टिंग की बात बताती हूँ मैं, बताती हूँ ये जैसे हैदर भाई आएंगे कोर्ट में केस फाइल होता है हमारे भारत की सरकार का, कानून का बता रही हूँ, पहले ये डिसीजन एपी से भी पूछेंगे, भाई इनके डिवोर्स के पेपर दिखाओ, पेपर डिवोर्स के पेपर दिखाओ, क्या कहा इन लोग के पास डिवोर्स के पेपर जो हैदर भाई ने दिए थे। और तीन तलाक तो हमारे भारत के कानून में है नहीं, बंद कर दिया हमारे प्रिय मोदी जी ने, जिसको भी तलाक लेना है कोर्ट में केस फाइल करो। क्या बोलेगी, मेरे फोन पे इसने मेरे को तीन तलाक दिया था, अरे भाई ये इधरी केस हारी हुई है, कैसे आई थी तू, घर बेच के मैं आई थी, चोरी छुपे आई थी तुम्हारे देश में, फिर क्या इसका इसका असर बहुत बुरा है। ये क्या सोच रही है ना एपी, एपी सिंह हमारे कानून से बड़ा नहीं है, ये 2% के नेताओं को लेके फिरते ना, उनको ही अपनी जेब में रख ले, लेकिन हमारा संविधान और हमारा कानून, हमारी सरकार, हम तीन चीजों पे विश्वास रखते हैं, बाकी हम एपी सिंह के जैसे ना 70 आते 70 जाते वकील, ऐसे वकीलों को हम गिनती में नहीं लेते हैं। देखो अगर मैं सही हूँ तो मैं किसी से नहीं डरूंगी, मैं सच बात बोलने से मैं किसी से नहीं डरती, और वाकई में तन्वी भाई मैं डरती नहीं हूँ, कभी पुलिस लोग का भी सामना रहता ना, कभी ऐसा बोलना पड़ता है, मैं जैसे अभी बात करी वैसी मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ।